राजधानी शिमला के लोग इन दिनों कूड़े के बिलों को लेकर परेशान हैं। एक ओर जहां लोगों को ऑनलाइन बिल जमा करवाने में दिक्कतें आ रही हैं, वहीं मकान खाली होने के बावजूद भी नगर निगम लोगों को कूड़े के बिल थमा रहा है। विकास नगर की आवासीय समिति के सदस्य नगर निगम के महापौर से लोगों ने मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंप कर डोर टू डोर कूड़ा बिल देने या फिर ऑफलाइन काउंटर खोलकर बिलों के भुगतान की सुविधा देने की मांग उठाई है। साथ ही उन्होंने नगर निगम से कूड़े के बिल बिजली के बिलों के साथ देने का भी आग्रह किया है। मैं बालकृष्ण दुल्टा, प्रधान संयुक्त आवासीय जन कल्याण समिति शिमला विकास नगर। हमारी जो आज की जो डिमांड है, जो गार्बेज के जो बिल है, इससे मैक्सिमम जो लोग हैं वो परेशान है। परेशान का कारण क्या है कि इन्होंने ऑनलाइन जो एक सिस्टम डेवलप किया है, उस सिस्टम को मतलब अवेल करना हर किसी के बस की बात वो नहीं है, क्योंकि हर किसी को मतलब उसको ऑपरेट करना नहीं आ रहा है। तो दिक्कत क्या आ रही कि किसी के 4 महीने हो रहे, 6 महीने हो रहे, लोग कहते हैं कि बिल नहीं आया जी, कूड़े का बिल नहीं आया है। और उसके ऊपर जो है, जो खाली पड़े कमरे हैं उनके मतलब बिल जो है वो कंटिन्यू आ रहे हैं। और जब हम इनके पास जाते तो ये कहते हैं जी आप एक एप्लीकेशन दे दो और बिजली का खाली बिल आप उसमें अटैच करो। इसमें हमारी जो प्रॉब्लम ये है कि एक आदमी जो है ना वो इसी काम के लिए ही है कि वो यही काम करेगा कि भैया वो मतलब बिल आए उसकी करेक्शन करे, ठीक है जी। और दूसरी बात है, प्रॉब्लम सबसे मेन चीज़ है, ऑनलाइन आप बिल करवा लेते हो, अगले महीने फिर वो आउटस्टैंडिंग होता है। विकास नगर की कुछ जनता मुझे मिलने आई है, तो इनके कुछ थोड़े बहुत इशू थे, खासकर जो इनके इशू थे गार्बेज से रिलेटेड थे। इनका मानना है कि हम ऑनलाइन, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन जो है पेमेंट नहीं कर सकते, तो इसकी ऑफलाइन भी होनी चाहिए। तो इसका ये निर्णय हम पहले हाउस में ले चुके हैं कि हम लोक मित्र केंद्र के द्वारा भी, जैसे हम पहले भी लेते थे, वो भी वहाँ भी आप जमा कर सकते हैं और हमारे ऑफिस में आ कर भी जमा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऑनलाइन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं।